हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर अभी स्टार्ट कर रहे हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट है, दैट इज वर्टिकल मोशन और ग्रेविटी। और इस चैप्टर से मजे लेके क्वेश्चन डालते हैं एग्जाम वगैरह में। वैसे स्कूल में तो इजी क्वेश्चंस आते ही हैं, लेकिन इसके पीछे कुछ कॉन्सेप्ट्स है, अगर वो कॉन्सेप्ट को आप सीख जाओगे तो क्वेश्चंस बहुत आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, तो क्या है आर्टिकल का नाम? आर्टिकल का नाम है वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी, वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या मतलब है वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी? मतलब कोई पार्टिकल कोई वर्टिकल मोशन में जा रहा है, मोशन इज अलोंग ए वर्टिकल लाइन। जैसे ये पेन को मैं फेंका, पेन सीधा ऊपर गया, नीचे आया, मोशन इज अलोंग ए वर्टिकल लाइन। या फिर छत से कोई चीज गिर गया तो सीधा नीचे आया, इज मूविंग अलोंग ए वर्टिकल लाइन। मान लो मेरे छत पे एक चिड़िया बैठा था, फुर करके उड़ गया, क्या वो वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी होगा? नहीं होगा, नहीं। हाँ, तो वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब ये हो गया, वर्टिकल मोशन समझ में आया। अंडर ग्रेविटी का मतलब क्या है? देखो, अगर ये पेन यहां से गिर रहा है, जब ये रास्ते में गिर रहा है, उसके ऊपर ढेर सारे फोर्सेस आ रहे हैं। एक तो हुआ कि इसका अपना वेट है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, और गिर रहा है तो वो हवा को चीरते हुए आ रहा है, तो एयर भी एक रेजिस्टेंस फोर्स दे रहा होगा। और क्या है, इट इज डिस्प्लेसिंग सम अमाउंट ऑफ एयर, तो उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट भी आ रहा होगा। जब कोई लिक्विड को डिस्प्लेस करता है, फ्लूइड को डिस्प्लेस करता है, अपथ्रस्ट आता है, तो अपथ्रस्ट फोर्स भी आ रहा होगा, ढेर सारे फोर्सेस आ रहे हैं। व्हेन वी से वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी, मतलब हम सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स को ही कंसिडर करेंगे, बाकी सबको भूल जाए। वी शैल अस्यूम दिस इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी इन वैक्यूम, एयर का एग्जिस्टेंस को इग्नोर कर लेंगे, तो हम कहेंगे इट इज मोशन अंडर ग्रेविटी। तो ठीक है, वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी में पहला चीज है पॉइंट नंबर वन। सपोज मैं कहता हूं कि यहां से कोई एक चीज को हमने सीधा ऐसा फेंका और ये गया ऊपर और यहां से मुड़ के नीचे आया। ये पूरा मोशन के बारे में एनालिसिस करना चाहते हैं, तो सीधे केस वन से शुरू करते हैं। केस वन क्या है? केस वन, केस वन का मतलब हुआ कोई एक पार्टिकल को फेंका गया है, कोई एक पार्टिकल को फेंका गया है ऊपर। ठीक है, कोई एक पार्टिकल को फेंका गया है ऊपर। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप, वर्टिकली अप विथ स्पीड यू। ठीक है, तो ऊपर फेंक दिए यू मीटर पर सेकेंड में, गया ऊपर, आया नीचे, गिरा नीचे। अब इस मोशन को एनालिसिस करना है, तो इसके बारे में पहला चीज है, क्या ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन किसको कहते हैं? जिसमें एक्सीलरेशन कॉन्स्टेंट, एक्सीलरेशन इज गिवन बाय फोर्स बाय मास। अगर कोई कॉन्स्टेंट फोर्स थ्रू आउट द मोशन आ रहा है, तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है। जैसे हम इसको हवा में उछाल दिए और ये ऊपर जाते रहा, जब ये ऊपर जा रहा था, तब आप जानते हो कि जब ये ऊपर जा रहा था, यहां पे था, तो इसके ऊपर एक ही फोर्स आ रहा था, क्या? दैट वाज mg। जब वो यहां पे था, तब भी एक ही फोर्स आ रहा था, एंड दैट वाज mg। मतलब ये दोनों ही पोजीशन में उसके ऊपर जो फोर्स आ रहा था वो कांस्टेंट था। इफ ए कांस्टेंट फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी, देन द एक्सीलरेशन इज आल्सो कांस्टेंट। सो इट इज ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। पहला चीज समझ में आया कि इट इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन, और ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है। जैसे ही यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन हुआ, हमें तो अच्छा लगने लगा, क्योंकि इसके लिए ढेर सारी इक्वेशन हमें मालूम है, v = u + at, s = ut + half a square, v square = u square + 2as, नहीं, sn तक का फॉर्मूला था, डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकंड ऑफ मोशन, u + a / 2 * 2n - 1, ढेर सारी चीजें हम लोग प्रीवियस क्लास देखें, वो सारा एप्लीकेबल हो गया। एनीवे, अब मैं
जानना चाहता हूं कि अगर यूनिफॉर्म एक्सलेशन मोशन है तो एक्सीलरेशन कितना है, फोर्स बाई मास क्या है, फोर्स क्या था इसके ऊपर mg, क्योंकि आई एम टॉकिंग मोशन अंडर ग्रेविटी, कोई दूसरा फोर्स नहीं है, सो इट इज g, किस डायरेक्शन में है, फोर्स कैसे था डाउनवर्ड, तो g कैसा होगा डाउनवर्ड, द एक्सीलरेशन इज डाउनवर्ड। और आपको मालूम होगा जी का वैल्यू कितना लेते हैं, लेते हैं 9.8, हम लोग लेकिन थोड़ा ले लेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये कैलकुलेशन में आसान करता है। समझ में आया क्या, जी इज कमिंग आउट टू बी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मालूम है। सो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन है। दूसरा, हम एक्सीलरेशन की बात बोल रहे हैं और जो होता है कितना, जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अगर ये आपको समझ में आया तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, आप देखोगे जब हम ये यहां से कोई चीज को ऐसे फेंक रहे हैं ऊपर, ये ऊपर नीचे का मोशन हो रहा है, मान लो कि यहां से कोई चीज को हम ऐसे फेंके और गया 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 यहां से यहां तक आया, क्या है मोशन, ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे करके आ रहा है। तो आप देखोगे जब ये चीज यहां पे था, नीचे की तरफ आ रहा था, कहां पर, यहां पे, वो नीचे की तरफ आ रहा था, और जब यहां पे था ऊपर की तरफ जा रहा था, उसका डिस्प्लेसमेंट यहां से ऊपर की तरफ, तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन नीचे की तरफ। ध्यान से देखो कि जो मोशन पैरामीटर हम लोग यूज करते हैं यू वी ए एस एटसेट्रा, इसका यू कैसा है, अपवर्ड है। फाइनल वेलोसिटी मान लो कि हम देखना चाहते हैं यहां से यहां तक का मोशन, ए से बी तक का मोशन, फाइनल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी एट बी कैसा है डाउनवर्ड, थ्रू आउट द मोशन एक्सीलरेशन कैसा है डाउनवर्ड, नहीं डिस्प्लेसमेंट ए से बी मोशन में डिस्प्लेसमेंट कैसा है अपवर्ड और डाउनवर्ड, ए टू बी मोशन में डिस्प्लेसमेंट इज अपवर्ड। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा U, V, A, S वगैरह सब कुछ है वो या तो अपवर्ड है या फिर डाउनवर्ड है, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जानते हैं कि हम यूजुअली Y एक्सिस ऐसे लेते हैं ना, कोई वेक्टर अपवर्ड हुआ तो उसको समथिंग J कैप लिख देते हैं, डाउनवर्ड हुआ तो माइनस J कैप लिख देते हैं। अब ये सारा वेक्टर या तो अपवर्ड है या फिर डाउनवर्ड है, तो एक साइन कन्वेंशन मान लेंगे, हमारा काम बन जाएगा। तो हम एक साइन कन्वेंशन लेते हैं, साइन कन्वेंशन ले लेंगे, तो हम कहेंगे ऑल अपवर्ड वेक्टर्स आर टेकन पॉजिटिव, ऑल अपवर्ड वेक्टर्स आर टेकन पॉजिटिव, और अगर हम कहेंगे ऑल डाउनवर्ड वेक्टर्स आर टेकन नेगेटिव, ठीक है। क्यों सर ऐसा लेते हैं, कोई लॉजिक नहीं भाई, आप चाहो तो उल्टा ले सकते हो, और अपवर्ड वेक्टर्स नेगेटिव और डाउनवर्ड वेक्टर्स पॉजिटिव, एक ले लेते हैं कुछ भी और उससे काम चला रहे। तो और अपवर्ड वेक्टर्स आर टेकन पॉजिटिव, समझने के लिए आसान होगा, बोल के मैं बोला कि सारे अपवर्ड वेक्टर वाई एक्सिस में होते हैं, प्लस जे कैप होते हैं। जैसे अगर आपको समझ में आया तो मैं एक छोटा सा चीज आपको पूछना चाहूंगा, ये साइन कन्वेंशन समझ में आना बहुत जरूरी है। सपोज हम कहेंगे यहां से कोई छत से कोई चीज को फेंका गया और वो आया गिरा ऐसे, चलो वैल्यू दिया हुआ है, ये दिया हाइट कितना दिया है, ये हाइट दिया है 20 मीटर, कितने में फेंका 15 मीटर पर सेकेंड, कितने में फेंका 15 मीटर पर सेकेंड, और वो जब जमीन पे गिरा क्या स्पीड था 25 मीटर पर सेकेंड। बस हम ए से बी तक का मोशन के बारे में थोड़ा लिखना चाहते हैं। सपोज डाटा ऐसे दिया है, कोई एक वर्टिकल मोशन में डाटा ऐसे दिया है, क्या दिया है फिगर को देखो, छत से कोई चीज को फेंक दिए 15 मीटर पर सेकेंड में, गया ऊपर आया नीचे गिरा ऐसे 25 मीटर पर सेकेंड। यूजिंग साइन कन्वेंशन आपको लिखना है, यू हैव टू राइट एवरीथिंग यूजिंग साइन कन्वेंशन। तो एग्जांपल पे कहेंगे
एग्जाम्पल ले रहे हैं, बाय बाय साइन कन्वेंशन फॉर ए टू बी मोशन, ए टू बी मोशन के लिए बाय साइन कन्वेंशन क्या मिलेगा? हम कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, बस मैं ये जानना चाहता हूं कि आप बता सकते हो क्या, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, एक्सीलरेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये चार चीज आपको बताना है। इनिशियल वेलोसिटी क्या था? देखो तो ए में वेलोसिटी, ए टू बी मोशन की बात कर रहे हैं, ए में वेलोसिटी कितना था? 15। अपवर्ड होने से हम लोग पॉजिटिव लेते हैं कि नेगेटिव लेते हैं? पॉजिटिव। तो क्या लिखेंगे इसको? पॉजिटिव। सतीश मुंह से उसको निकालो, रिमूव योर मास्क, वी आर नॉट टेलिंग एनीथिंग। हां सो इट इज 15 प्लस 15 क्योंकि ये अपवर्ड मूव कर रहा है। क्या बता सकते हो? व्हाट विल बी फाइनल वेलोसिटी एट बी? -25 क्योंकि नीचे की तरफ है, ठीक है। तो एक्सीलरेशन क्या होगा? रास्ते में हर जगह एक्सीलरेशन कैसे था? फोर्स बाय मास। क्या था फोर्स? mg। क्या था मास? m। क्या था एक्सीलरेशन? g। किस डायरेक्शन में? फोर्स के डायरेक्शन में, डाउनवर्ड। तो एक्सीलरेशन इज ऑलवेज माइनस g। क्या कोई बताएगा डिस्प्लेसमेंट कितना है? यहां से यहां तक का गया ऐसे, लेकिन शॉर्टेज डिस्टेंस यहां से यहां तक शॉर्टेज डिस्टेंस क्या है? 20। क्या लिखेंगे? माइनस माइनस। क्या समझ में आ रहा है? तो यू नो एक्सीलरेशन को माइनस क्यों लिए सर? एक्सीलरेशन हम किसी भी चीज को माइनस क्यों लेते हैं? जब वो डाउनवर्ड है माइनस लेते हैं, अपवर्ड है तो पॉजिटिव लेते हैं। कैसा था एक्सीलरेशन? जब ये ऐसे जा रहा था ऊपर, जब जा रहा था आ रहा था हर समय, उसके ऊपर क्या फोर्स था? mg। फोर्स बाय मास होता है एक्सीलरेशन। तो यहां पर फोर्स ऐसे था, एक्सीलरेशन ऐसे था, यहां पर फोर्स ऐसे था तो एक्सीलरेशन ऐसे था, हर जगह फोर्स कांस्टेंट था तो एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट था। बस ये चीज समझ में आना चाहिए। हाँ, जो बुक वाला डेफिनेशन दिया है ना, एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, उसे सारा चीज समझ में नहीं आता है। वी मस्ट सी एक्सीलरेशन एज फोर्स बाय मास। तो ये बात हो गया। दो पॉइंट देखें, क्योंकि हम ऐसा न्यूमेरिकल करने वाले, आपको वैल्यू लेना पड़ेगा। तीसरा चीज हुआ, दो पॉइंट देखिए हम लोग। पहला देखिए साइन कन्वेंशन और ये देखिए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन। सिमेट्रिकल, ये बड़ा पावरफुल टूल है और मैक्सिमम ऑथर इसको मिस कर गए। और आप देखोगे इसको यूज करके जो चुटकी में बनेगा, जो ओराली बन जाएगा किसी दूसरे मेथड में, वो लंबा लंबा सॉल्यूशन बनेगा। ये चुटकी में बन जाएगा अगर इसको आप समझ जाओगे तो। अपवर्ड मोशन एंड डाउनवर्ड मोशन आर सिमेट्रिकल। क्या मतलब है? मतलब ऊपर जाते वक्त जो भी कुछ होता है, नीचे आते वक्त वही सब होता है। क्या मतलब सर? मतलब ये है कि यहां से कोई चीज को फेंके, गया ऊपर आया नीचे। अगर हम फेंके यू में तो गिरेगा यू में। अगर यहां पर स्पीड था अभी तो आते वक्त यहां पर स्पीड होगा अभी। समझ में आ रहा है क्या? सिमेट्रिकल है। अगर यहां से यहां तक जाने के लिए टाइम लगा t1, तो यहां से यहां तक आने के लिए टाइम लगेगा t1। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ऊपर जाते वक्त जो भी कुछ होगा, नीचे आते वक्त वही सब बनेगा। समझ में आ रहा है? सिमेट्रिकल मोशन, इधर ऊपर जाते वक्त जो भी कुछ होगा, नीचे आते वक्त एग्जैक्टली वही सब बनेगा। ये सिमेट्री काफी काम का है। सपोज मैं आपको पूछता हूं कि कोई चीज को हम ऐसे फेंके, ऊपर गया नीचे गिरा, कितना टोटल टाइम के बाद गिरा? 10 सेकंड के बाद गिरा।
तो क्या बता सकते हो कितने समय के बाद वो ऊपर पहुंचा होगा? ऊपर जाके नीचे आने के लिए 10 सेकंड लगा, मतलब सिर्फ ऊपर पहुंचने के लिए सिमेट्री है भाई, जितना जाने के लिए लगता है उतने आने के लिए लगेगा, तो 5 सेकंड लगेगा। कोई पूछेगा व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड ड्यूरिंग लास्ट सेकंड ऑफ डाउनवर्ड मोशन, यू विल से दैट इज सेम एज द डिस्टेंस मूव्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकंड ऑफ अपवर्ड मोशन। पहला सेकंड में ऊपर जाते वक्त जितना दूर जाएगा, नीचे आते वक्त लास्ट सेकंड में उतना ही दूर आएगा। समझ में आ रहा है क्या? एवरीथिंग इज सेम, बड़ा पावरफुल टूल है, इसको हम लोग यूज करेंगे। चलिए हम अपना केस वन के साथ कंटिन्यू करते हैं। अब मैं निकालना चाहता हूं टाइम ऑफ फ्लाइट, मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाहता हूं। थोड़ा ध्यान से देखो, हो सकता है कि लिखने के चक्कर में आप मिस कर जाओगे, थोड़ा समझ लो, वीडियो तो है आप लिख लोगे, मैं तुरंत आज ही अपलोड कर दूंगा। बिट नंबर 4, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, कोई चीज को U0 स्पीड में फेंके, गया ऊपर आया नीचे, पूछा कितना समय लगेगा, और हमें मालूम है कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है। अगर ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है तो जब भी इस चैप्टर में कोई भी न्यूमेरिकल आएगा, पहले आप तय करो कि कहां से कहां तक की मोशन देखना चाहते हो, ए से बी तक का मोशन देखना चाहते हो। अगर ढंग से सोचो तो ए और बी आर द सेम पॉइंट, कोई चीज को सीधा ऊपर फेंकोगे तो सीधे जाएगा, सीधा ही तो गिरेगा। समझाने के लिए मैं थोड़ा साइड में ऐसे निकाल दिया ताकि आप देख पाओगे। ओके ओके, नाउ ये ए से गया बी पे गिरा, तो हमें पूछा गया है ए टू बी जाने का कितना समय लगेगा। तो ठीक है, जो जो चीज मालूम है, क्या देखते हैं ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन तो मालूम है, क्या ए टू बी मोशन में हमें इनिशियल वेलोसिटी मालूम है? हाँ दिया है, कितना दिया है? U0, क्या लेंगे, प्लस U0 की माइनस U0? क्योंकि अपवर्ड है, प्लस U0। क्या आपको वेलोसिटी मालूम है, फाइनल वेलोसिटी? फाइनल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी एट बी, बी में क्या वेलोसिटी था, हम जानते हैं U0 में फेंके तो U0 में गिर रहा होगा, तो क्या लिखेंगे, प्लस U0 और माइनस U0? अरे नहीं, जब ये यहां पहुंचा होगा वेलोसिटी कैसे होगा, डाउनवर्ड, तो लिखेंगे माइनस। अच्छा क्या था डिस्प्लेसमेंट, ए से गया बी पे गिरा, ए बी तो एक ही पॉइंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या था, जीरो। क्या था एक्सीलरेशन थ्रू आउट द मोशन, ऑलवेज माइनस जी, ऑलवेज माइनस जी। देखो आपके पास यू बी ए एस है, और क्या पूछा है बताओ, टी पूछा है, क्या टी निकालने की कोई तरीका आपके पास है? हाँ सर, v इक्वल यू प्लस at कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, s इक्वल यू t प्लस आप डिस्कवर कर सकते हैं, कोई भी एक फॉर्मूला निकालो, t का वैल्यू निकाल दो, t द टाइम फ्रॉम a टू b। तो अगर हम लेंगे t इक्वल टू v इक्वल टू u प्लस at, और इसमें अगर हम वैल्यू डालेंगे v के जगह माइनस u0, u के जगह u0, a के जगह माइनस g और t, तो U0 को इधर ले आओ, माइनस जी टी इज इक्वल टू माइनस 2U0 और T इज इक्वल टू 2U0 बाई जी। कहोगे नहीं सर ये बात हजम नहीं हुआ, तो फिर दूसरे वाले तरीके से करते हैं, यू टेक S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, एस तो जीरो है, U हो गया U0, T पता करना है, हाफ ए, ए हो गया माइनस जी और ये टी स्क्वेयर, एक टी कमन जाके इधर फेंक दो, कमन लाके फेंक दो तो क्या मिल गया, 0 इज इक्वल टू, एक टी कमन चला गया है, बच गया U0 माइनस हाफ जी टी, और इसमें से टी निकालो 2U0 बाई जी। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, कोई चीज को U0 वेलोसिटी में फेंकोगे ऊपर जाके नीचे आने के लिए टाइम लगेगा, 2U0 बाई जी, जी का वैल्यू कितना है 10। आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के न्यूमेरिकल में लिख सकते हो, क्योंकि ये आपको नहीं पूछा जाएगा, कोई बड़ा न्यूमेरिकल का छोटा सा हिस्सा होगा। ठीक है,
अब सोचो और बताओ कि इफ समथिंग इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद 20 मीटर पर सेकेंड, वो कितना समय के बाद नीचे गिरेगा? समथिंग इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद 20 मीटर पर सेकेंड, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, कितना समय के बाद गिरेगा? मतलब यू जीरो की जगह 20 लेना है, 20 सर। हाँ, क्या आंसर आएगा? 2 × 20/10 कितना होगा? 4 सेकेंड। 4 सेकेंड बाद नीचे गिरेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। चलिए अगला देखना चाहते हैं, मैक्सिमम हाइट अटेन। मतलब कोई चीज को फेंक दिए, गया ऐसे ऊपर आया नीचे, कितना ऊपर तक गया था? ये कितना ऊपर तक गया बताना है आपको। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ h, कितने में फेंके थे? यू जीरो में। कोई चीज को 20 मीटर पर सेकेंड में फेंक दिए, कितना ऊपर गया? या फिर वेलोसिटी मेजर करना आसान नहीं है, कितना ऊपर गया मेजर करना आसान है, ठीक है ना? दो बच्चे पत्थर उछाल लेते हैं हवा में ऊपर, कितने ऊपर गया देख लो, उससे आप पता कर सकते हो कि किसका वेलोसिटी ज्यादा है, किसका वेलोसिटी कितना है। एनीवे, कितना ऊपर तक गया मतलब जब वो यहां पे था वो कितने ऊपर था, मतलब हमें यहां से यहां तक का मोशन देखना है। ध्यान रखना इस मोशन चैप्टर में हरदम आपको स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा। आप क्या निकालना चाहते हो? मैक्सिमम हाइट, मतलब यहां से यहां तक की बात चल रहा है। तो फिर से हम ए टू बी मोशन को ध्यान में लेंगे और कहेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी क्या था, क्या था इनिशियल वेलोसिटी? ये तो दिया है, यू जीरो है, प्लस यू जीरो है क्योंकि अपवर्ड था। क्या कोई मुझे एक्सीलरेशन भी बताएगा? माइनस जी, ऑलवेज माइनस जी, ऑलवेज माइनस जी। अच्छा, ए टू बी मोशन की बात करें, क्या वेलोसिटी मालूम है? What was the velocity of the highest point? Zero. Yes. और क्या displacement मालूम है? हाँ सर, upward है h, लेकिन कितना है? हाँ, वो पता करना है। क्या हमें time मालूम है a to b? है कोई intelligent बताएगा time कितना है? थोड़ी देर पहले देखिए कि ऊपर जाके नीचे आने का total time क्या था? What was the total time? 2u0g. तो सिर्फ zero by g. Yes. अब a to b जाने के लिए कितना समय लगेगा? u0 by g. 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 Yes sir. हाँ, देखो, h निकालना है, मतलब s निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगाओ? h is equal to ut plus half b square कर सकते हो, b square is equal to u square plus 2s कर सकते हो, कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो। मैं लगाना चाहूँगा b square is equal to u square plus 2as. वैल्यू डालूं तो भी तो हो गया जीरो। U कितना है? U is U zero. U is, अरे भैया, U is U zero का स्क्वायर प्लस 2a का वैल्यू है माइनस जी, s का वैल्यू है h, ऊपर गया है। तो h का वैल्यू क्या आया देखो तो u not square by, क्या मैं समझा पा रहा हूं? yes, sir. तो कोई चीज को कोई चीज को फेंको, कितना ऊपर तक जाएगा? इट इज यू नॉट स्क्वायर बाय 2g. कितना समय के बाद गिरेगा? 2u नॉट बाय g. ठीक है, आज की क्लास को हम लोग यहाँ पर खत्म करते हैं। इसमें और ढेर सारा थ्योरी बाकी रह गया वर्टिकल मोशन और ग्रेविटी में, उसको हम लोग अगले क्लास फिर से देखेंगे। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you.